सिद्धार्थनगर जिले की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस के लिए सरदर्द बने काले पल्सर गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस गिरफ्तार करने में सफलता पाई। हालांकि गैंग का सरगना जिले के खेसरहा थाना क्षेत्र के छितौनी के पास हुई लूट का खुलासा पुलिस ने किया। सीओ बासी ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 18 जनवरी को काली पल्सर मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने 1,00,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक ने खेसरहा पुलिस के साथ स्वाट टीम सर्विलांस टीम को लगाया था। लूट की घटना को अंजाम देने वाले लुटेरों को टीम ने आज खेसरहा थाना क्षेत्र के प्रतापपुर के पास से गिरफ्तार किया। टीम ने जिन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है उनके नाम वंशराज पांडे, जितेंद्र पांडे व सुशील तिवारी है। ये तीनों अभियुक्त बस्ती जनपद के रुधौली थाना क्षेत्र के निवासी हैं। इस गैंग का सरगना रघुवीर सिंह भागने में कामयाब रहा, उसकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 1 अदद कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 2 पल्सर मोटरसाइकिल काले रंग की व 20,100 रुपया बरामद किया गया। पूरा मामला देखिए, 18 जनवरी को ये मसेचा के पास चितौनी गांव से थाना केसरा में लूट की घटना, पल्सर सवार कुछ बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। उसी के बाद दबिश दी गई पुलिस द्वारा, जिसमें कि स्वाट प्रभारी श्री पंकज शाही जी, एसओ केसरा राजेश कुमार दुबे, एसआई सामाजिक रिश्ता चौकी कुर्थिया प्रभारी और उनके पुलिस टीम ने दबिश दी। इसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी प्रतापपुर थाना केसरा से की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों में वंशराज पांडे उत्कंठ पांडे थाना रुधौली, जितेंद्र पांडे पुत्र प्रकाश पांडे थाना रुधौली जनपद बस्ती, सुशील तिवारी और मिथुन तिवारी थाना रुधौली जनपद बस्ती। इसमें वंशराज पांडे के पास से 7200 रुपये और 1 पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की गई। जितेंद्र पांडे के पास से 5600 रुपये और 1 पल्सर मोटरसाइकिल बरामद किया गया। सुशील तिवारी और मिथुन तिवारी के पास से 7300 रुपये और 1 अदद कट्टा, 315 बोर और 2 चक्र जिंदा कारतूस बरामद किया गया। और रघुवीर सिंह पुत्र लाखन सिंह साके नटाईकला थाना रुधौली जनपद बस्ती जो भागने में सफल रहा, इस अभी तलाश की जा रही है। सर, इन लोगों का कुछ आपराधिक रिकॉर्ड है? जिनका आपराधिक रिकॉर्ड थाना बस्ती थाना रुधौली में आपराधिक रिकॉर्ड इन लोगों का है।